लाहौर में पीटीआई रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। सरदार लतीफ़ खोसा एन ए 122 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं, जबकि सलमान अकमल राजा ने एन ए 128 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। अपडेट करते चलें आपको, लाहौर में पीटीआई के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। सरदार लतीफ़ खोसा ने एन ए 122 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं नुमाइंदे कैपिटल टी वी अली तारिक से। अली तारिक, बताइएगा सरदार लतीफ़ खोसा का इलेक्शन लड़ने का इरादा। बिल्कुल, पीटीआई के सीनियर नायब सदर जो है सरदार लतीफ़ खोसा का आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला जो है सामने आया है। और लतीफ़ खोसा ने लाहौर के हल्के एन ए 122 से कागजात नामजदगी जो है हासिल कर ली है। और इसके साथ ही जो सलमान अकरम राजा हैं बानी चेयरमैन पीटीआई के वकील, उन्होंने भी एन ए 128 से कागजात नामजदगी हासिल कर ली है। जी अली तारिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।